फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गौसिया ज्ञान भंडार में, और मैं हूं आपकी दोस्त गौसिया यूबी। और आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रही हूं, जो सभी स्टूडेंट्स के साथ होता है, सभी स्टूडेंट्स की समस्या है, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे डिस्कस किया है और कहा है कि मैम, जब भी हम कुछ याद करते हैं, स्पेशली बेयर एक्ट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, कि जब भी मैं कोई बेयर एक्ट याद करती हूँ मैम या करता हूँ, तो प्रॉब्लम ये आती है कि याद नहीं होता, या केस लॉज जो है वो मैं याद नहीं कर पाता हूँ, और अगर याद कर लेता हूँ तो कुछ टाइम बाद भूल जाता हूँ। तो ये गाइज, ये प्रॉब्लम सबके साथ होती है, इट्स अ जेन्युइन प्रॉब्लम। मेरे साथ भी हुआ है, जब मैं पढ़ाई करती थी, जब मैं आपकी तरह LLB करती थी और LLM किया, तो तभी भी क्या होता था दोस्तों कि मैं भी पढ़ा हुआ भूल जाती थी, है ना। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है, सही समय पे हमें पता लगाना चाहिए कि हम अपनी कंसंट्रेशन पावर को किस तरीके से जो है इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो गाइज़, बात करते हैं इस कॉमन प्रॉब्लम के बारे में, जो आई थिंक मोस्ट ऑफ़ द पीपल को रहती होगी, मोस्ट ऑफ़ द स्टूडेंट्स को रहती होगी, सभी स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है। बहुत सारे मेरे घर के खुद के एग्जाम्पल्स ऐसे हैं कि बच्चे कहते हैं कि भाई हमें पढ़ा हुआ याद नहीं होता, या फिर हम भूल जाते हैं। तो अब हमें प्रॉब्लम का पता है कि प्रॉब्लम क्या है, अब बात करनी चाहिए सॉल्यूशन के बारे में, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या है गाइज इसका, देखिए सभी कहते हैं कि पढ़ो पढ़ो और बार बार पढ़ो, बार बार रट्टा लगाओ, है ना। वो है, हमें पता है कि ऐसा क्या स्टूडेंट करता नहीं होगा ये चीज़ कि वो रिपीट करता होगा, पढ़ता होगा, बार बार रिवाइज करता होगा, तो ऑब्वियसली वो चीज़ है, वो करेगा स्टूडेंट, है ना। लेकिन हमें उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं जिससे हमें चीज़ें याद रहें। तो सबसे पहली चीज़ तो है गाइस कि हमारे ब्रेन के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो क्या है। अब जैसे होता है ना कि हमें अच्छा दिखने के लिए अच्छे कपड़ों की ज़रूरत होती है, है ना, अच्छे एसेसरीज़ की ज़रूरत होती है, इसी तरह से अगर हमें अपनी हेल्थ को अच्छा रखना है तो हमारे जो है डाइट हमारी अच्छी होनी चाहिए, तो माइंड को भी डाइट चाहिए ना, ठीक है। माइंड को भी क्या चाहिए, चाहिए कि कुछ टेक्निक्स चाहिए, कुछ अपना जो है फ्रेश एयर चाहिए। तो सबसे पहली ज़रूरी चीज़ क्या है कि प्रॉपर हमें जो है अपने माइंड तक ऑक्सीजन को पहुँचाना। आजकल के टाइम में हम लोग इतने ज़्यादा बिजी हो चुके हैं कि हम लोगों को ज़रा भी परवाह नहीं है कि हम लोग सांस भी ढंग से ले रहे हों। हम लोग क्या करते हैं, हर टाइम जल्दी में रहते हैं और हमारे पास एक कहते हैं ना फुर्सत की सांस लेने के भी पल नहीं है। तो गाइज, हमें क्या करना है, चाहे हम कुछ काम कर रहे हों, बिज़ी हों, या फिर हमारे पास कुछ करने को ना हो, तब भी हम बिज़ी रहते हैं। आज का जो सिनेरियो है वो ये है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगी, अगर आप लोग एक मंथ, अगर सिर्फ एक मंथ ये प्रैक्टिस कर लोगे, तो आप लोग अपनी ब्रेन पावर को जो है वो बूस्ट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं और चीज़ों को याद रख सकते हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो फ्रेंड्स, उन चीज़ों को डिस्कस करने से पहले आप लोगों को अपने पहले मुझसे प्रॉमिस करना होगा, इस कमेंट में लिखना होगा वीडियो के कमेंट में कि आप ये करेंगे वन मंथ प्रैक्टिस, और उसके बाद आप लोग मुझे बताएंगे कि आपको इससे कितना बेनिफिट हुआ है। और मैं आपको वही टेक्निक्स बताऊंगी जो मैंने खुद पे फॉलो की है, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट रही हूँ आप लोगों की तरह, एंड स्टिल आई एम अ स्टूडेंट। तो गाइस देखिए, सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले आप जो है हैबिट को डेवलप करिए मेडिटेशन करने की। तो मेडिटेशन जो है, मेडिटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मेडिटेशन से क्या होता है कि हम लोग जब ध्यान लगाते हैं, जब हम लोग ध्यान कर रहे होते हैं, मेडिटेट कर रहे होते हैं, तो हम प्रॉपर तरीके से ब्रीथ करते हैं। तो मेडिटेशन की बहुत सारे टेक्निक्स हैं, अब यहाँ पे मैं टेक्निक्स तो डिस्कस नहीं करूँगी, आप लोग जो भी आपको टेक्निक पसंद आए मेडिटेशन की, आप उस टेक्निक को फॉलो कीजिए और उस टेक्निक को अपना करके अपना जो है इसको आदत बनाइए मेडिटेशन करने की। देखिए उससे क्या होता है कि आपकी कंसंट्रेशन पावर जो है वो बढ़ती है, कहते हैं ना एकाग्रता, ठीक है। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो हमें कंसंट्रेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और जब कंसंट्रेशन के साथ में हम कुछ पढ़ते हैं तो वो हमें याद रहता है ऑटोमेटिकली, ओके। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो सबके साथ में बहुत डिस्टर्बिंग चल रही है आजकल, पिछले कुछ सालों से, जब से हम लोगों को घर पे रहने की आदत हो गई थी पेंडेमिक के टाइम से, तो तब से जहाँ जो ऑब्जर्वेशन की गई है, तब से ऑब्जर्वेशन ये की गई है कि लोगों के स्लीपिंग पैटर्न में जो है बहुत बड़ा चेंज आया है, कि सारी रात हम लोग जागते हैं ऑलमोस्ट, और बहुत देर से सोने की हम लोगों ने हैबिट को डेवलप कर लिया है, सुबह को देर से उठने की
हैबिट को डेवलप कर लिया है। तो देखिए गाइस, हम दिन में कितना भी सो लें और उस नींद का हमें कोई फ़ायदा नहीं होता, इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। लेकिन जो हम 6 to 8 hours स्लीप अपनी नाइट में लेते हैं प्रॉपर टाइम पे, है ना, प्रॉपर टाइम कैसा कि भाई रात बनाई है तो सोने के लिए बनाई गई है ना, तो आप वो टाइम देखिए कि 6 to 8 hours आप लोग प्रॉपर स्लीप ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। क्योंकि 6 to 8 hours का ये जो टाइम है रात को स्लीप करने का, सोने का, तो ये क्या करता है, ये आपको जो है आपके कंसंट्रेशन पावर को जो है इंक्रीज़ करता है। और कहते हैं ना, जो भी हमारे बॉडी में, हमारे ब्रेन में जिस तरह के भी डैमेजेस हुए होते हैं, वो उन सबको क्या होता है, वो रिपेयर करता है। तो रात को हमारी स्किन भी रिपेयर होती है, हमारी बॉडी के टिश्यूज़ भी रिपेयर होते हैं और ब्रेन की कंसंट्रेशन पावर भी हमारी बढ़ती है। तो ये जो 6 to 8 hours हैं गाइज, ये आप डीप स्लीप लीजिए रात को। आपने खुद भी नोटिस किया होगा, कभी कभी ऐसा होता है कि आप रात में अगर अच्छे से नहीं सो पाए हैं तो पूरे दिन नेक्स्ट डे आप क्या होते हैं, थका थका सा महसूस करते हैं अपने आप को, फील आपको ऐसा होता है कि किसी काम में भी आपका मन नहीं लगता। तो इट हैपन्स क्योंकि आपका स्लीपिंग पैटर्न चेंज हुआ है। तो आप अपने स्लीपिंग पैटर्न को जो है धीरे धीरे सही कीजिए। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है, एक और टेक्निक है जिसकी वजह से आप जो है अपनी ब्रेन की जो मेमोरी है उसको और ज़्यादा शार्प कर सकते हैं, अपनी कंसंट्रेशन को बढ़ा सकते हैं, है ना, आप अपने माइंड को बूस्टअप कर सकते हैं। तो गाइज, वो है कि आप कोई नई लैंग्वेज सीख सकते हैं। देखिए, जब हम लोग कोई नई लैंग्वेज सीखते हैं या कुछ नया सीखते हैं तो क्या होता है, हमारा माइंड जो है ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। जो काम हम रेगुलर बेस पे करते आ रहे हैं तो उसको माइंड को ज़्यादा एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती उन कामों में, और जब वो ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाता तो वो ज़्यादा सक्रिय भी नहीं रहता, है ना। तो हम जब कुछ नया सीखेंगे, कोई नई टेक्निक सीखेंगे या कुछ नया लैंग्वेज सीखेंगे, स्पेशली आप लैंग्वेज सीख सकते हो, जो लैंग्वेज आपको नहीं आती आप उस लैंग्वेज को सीख सकते हैं, और उससे क्या होगा, आपका माइंड जो है वो डबल तरीके से काम करना शुरू कर देता है। तो ये भी एक अच्छी टेक्निक है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा हम लोगों को आदत है अपने सारे काम राइट हैंड से करने की, हम लिखते राइट हैंड से हैं, खाते राइट हैंड से हैं, सारे यूजुअली हम लोग मैक्सिमम लोग जो है राइट हैंड से अपना वर्क करते हैं। तो आप ये जो पैटर्न है इसको भी चेंज करके कुछ टाइम, मतलब ऐसा नहीं है कि आप सीधे हाथ से लिखते हो तो अब उल्टे हाथ से लिखना शुरू कर दो, ऐसा नहीं है, पर टाइम टू टाइम आप इसको कीजिए। क्योंकि क्या होगा, आपके माइंड को एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे तो क्या होगा, माइंड जो है एक्टिवेट होगा आपका, ठीक है। इससे क्या होता है, आपकी जो माइंड की पावर है वो बूस्टअप हो जाती है और ब्रेन जो है आपका ज़्यादा सक्रिय हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा जो एक और टेक्निक है जो मैंने बहुत ज़्यादा फॉलो की है, सॉन्ग सुनना। तो गाइज, लिसनिंग गुड सॉन्ग्स फॉर ब्रेन इज़ ऑल्सो सो इम्पॉर्टेंट। अगर आप अपने दिमाग को जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव और कंसंट्रेटेड रखना चाहते हैं तो आप लोग सॉन्ग सुनिए। और भाई, सॉन्ग्स जो है अच्छे सुनने हैं, देवदास नहीं बनने हैं। पता चला भाई IPC के सेक्शन याद करने हैं हमें और CRPC पढ़नी है, एविडेंस पढ़ना है, और हम क्या कर रहे हैं, देवदास वाले गाने सुन रहे हैं पूरे, पता चला किसी कोने में जाके रो धो रहे हैं और किताब साइड में रखी हुई है। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, अच्छा म्यूज़िक सुनना है। और आप कोशिश कर सकते हैं आप इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक को ज़्यादा प्रेफरेंस दें। ओके, तो आई होप कि आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। उसके अलावा देखिए, हर किसी के फ़ोन में आजकल गेम्स ज़रूर होते हैं, ठीक है। तो आप लूडो वूडो ना खेल के, सिंपल गेम्स ना खेल के कि खेल रहे हैं, है ना, सिंपल गेम्स ना खेल के आप क्या कीजिए, जो ब्रेन से रिलेटेड, ब्रेन पजल टाइप आपके जो गेम्स होते हैं आप उनको चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप चेस खेल सकते हैं, चेस में जो भी ब्रेन का ज़्यादा वर्क होता है, या आप सुडोकू टाइप कुछ खेल सकते हैं, है ना। तो इस तरह का जिसमें आपको पजल्स सॉल्व करने को मिले, थोड़ा सा टफ टास्क मिले, जिसमें आपके माइंड को जो है थोड़ा सा एफर्ट्स लगाने पड़े, तो इस तरह के गेम्स अगर आप खेलेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। और आप क्या कर सकते हैं, आप दिन में थोड़े टाइम के लिए चुप रह सकते हैं। होता है ना, आपने सुना भी होगा मौन धारण, कि आज इसका मौन व्रत है ना, होता है ना। तो आप अगर चाहें तो दिन में कुछ देर के लिए, चाहे वो 10 मिनट हो, 5 मिनट हो, खामोशी से चुप रह सकते हैं, ध्यान लगा सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आपका जो एक, अगर आप देखें, आप लोग रिसर्च को देखें, रिसर्चर्स की बातों को सुने, तो वो आपको बताएंगे कि जो लोग मौन धारण करते हैं वो कंपैरेटिवली लॉजिकली जो है दूसरे लोगों से ज़्यादा एक्टिव होते हैं, ज़्यादा उनकी लॉजिकल पावर जो होती है, सोचने की जो क्षमता होती है वो और लोगों से ज़्यादा होती है। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, दिन में एक टाइम 10 मिनट के लिए चुप रह लिया करें प्लीज़, है ना। तो इससे भी क्या होगा, आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी, आप अपने माइंड को बूस्टअप कर सकते हैं। और
एक और इफ़ेक्टिव चीज़ है जो मैंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा जो है मैंने यूज़ की है, अभी से नहीं बचपन से, और ऐसा नहीं किसी ने मुझे बताया था तब जाके मैंने उसको किया हो, खुद से आदत थी, एक बचपन से आदत थी कि जब भी मैं लाइफ में कुछ करने वाली होती थी तो मैं चीज़ों को इमेजिनेट करती थी, इमेजिनेशन में अपनी रन करती थी कि सपोज़ कीजिए कि कल मुझे कोई स्कूल में स्पीच देनी है तो मैं उस स्पीच को पहले से विजुलाइज़ करती थी। विजुअलाइज़ कैसे कि भाई रात को मैं स्पीच के बारे में सोच रही हूँ कि हाँ भाई पूरे और स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, सारे गेस्ट बैठे हुए हैं और मैं स्पीच दे रही हूँ, सब लोग तालियां बजा रहे हैं, मुझे ध्यान से सुन रहे हैं, मुझे प्राइज़ मिल रहा है ना, ये सब चीज़ मैं क्या करती थी, इमेजिन करती थी। अगर हम लोग बात करें अल्बर्ट आइंस्टाइन की, उन्होंने भी ये कहा है कि इमेजिनेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन नॉलेज। ऐसा नहीं है कि नॉलेज इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन नॉलेज से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी इमेजिनेशन को रन करना। इमेजिनेशन को अगर हम लोग रन करते हैं तो हम लोग क्रिएटिव बनते हैं बहुत ज़्यादा, और साथ ही साथ क्या होता है, हमारा माइंड जो है वो बूस्टअप हो जाता है, हमारा जो ब्रेन होता है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। तो उन चीज़ों का मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला है कि मुझे कुछ काम करना है तो मैं उस चीज़ को इमेजिन करती थी और एग्जैक्टली मेरे साथ चीज़ें उसी तरह की होती थी। कहते हैं ना कि जैसा आप सोचते हो वैसे आप बन जाते हो, तो मेरे साथ ऐसा ही होता था और इस तरीके से मुझे चीज़ें ज़्यादा जल्दी याद रहती थी। तो चीज़ों को इमेजिन करके सीखना जो है शुरू करें, ठीक है। उसके अलावा फाइनली चीज़ें क्या हैं, एक हमें पता ही है कि बुक रीडिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो बिना बुक रीडिंग के तो कुछ होगा ही नहीं। बुक रीडिंग की हैबिट जो है, देखिए आप सिलेबस बुक तो पढ़ ही रहे हैं, साथ साथ आप कोई नॉवेल या फिर कोई मोटिवेशनल बुक भी पढ़ सकते हैं। और उसके अलावा दोस्तों क्या है, मेन चीज़ क्या है, आपका रिवीजन एंड रिवीजन। जब आप पढ़ते हो कोई भी धारा, कोई भी सेक्शन, कोई भी आपका आर्टिकल पढ़ते हो और वो आपको याद नहीं होता या कोई भी केस लॉ आपको याद नहीं होता, तो आप क्या कीजिए, उसको 2 से 3 बार पढ़िए और उसके बाद उसको लिखकर देखने की कोशिश कीजिए। जब आप चीज़ों को पढ़ने के बाद में लिख लेते हैं तो वो आपको चीज़ें कंपैरेटिवली ज़्यादा याद होती हैं और हमेशा याद रहती हैं। तो आप क्या कीजिए, रिवाइज़ कीजिए बार बार और लिख के देखने की उसको हैबिट बनाइए, बार बार लिखिए, बार बार रिवीजन कीजिए। फाइनली जो चीज़ है, फाइनली जो कंक्लूज़न इन सब चीज़ों के बाद में निकल के आया है कि भाई पढ़ना आपको खुद से है, याद आपको खुद से करना है, ठीक है, लेकिन हैबिट क्या डालनी है ये नहीं सोचना कि अब क्या होता है, हम लोग ये चीज़ सोच के चल जाते हैं ये तो मुझसे याद ही नहीं हो रहा है, ये तो बहुत बड़ा है ना, ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, हम लोगों से याद नहीं हो पा रहा है, ये मैं सॉल्व नहीं कर पा रही। तो हम लोग जब अपने माइंड को यही मैसेज देते रहते हैं ना, नेगेटिव मैसेज, तो वो माइंड हमारा सोचता है कि चल डोंट पुट एफर्ट्स, ठीक है, तो वो एफर्ट्स नहीं लगाता। लेकिन जब हम सोचते हैं कि नहीं नहीं ये मैं कर लूँगी, इसको करके ही छोड़ूंगी, हो जाएगा मुझसे, आई कैन डू इट, जब हम अपने माइंड को बार बार ये मैसेज देते हैं कि आई कैन डू इट, तो वो क्या होता है, वो हमसे हो ही जाता है, ठीक है। तो बार बार रिवीजन कीजिए, बार बार जो है पढ़िए, बार बार लिखने की हैबिट को डालिए और आप इस तरीके से क्या है, अपने जो बेयर एक्ट है, जो आपके सेक्शंस हैं, आर्टिकल्स हैं, या फिर कोई किसी और अदर स्ट्रीम से है, कुछ भी याद करना चाहता है, पढ़े हुए को याद रखना चाहता है, तो बहुत इजीली याद हो जाता है। सो आई होप दोस्तों कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और आप लोगों के सभी के काम का ये वीडियो होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।